सब्सक्राइब करें शिमारू हेल्थ मंत्रा और बेल आइकन को क्लिक करें फिट और हेल्दी रहने के लिए। 21वीं सदी में हमारे रोजमर्रा के जीवन का स्वरूप एकदम बदल गया है। मानसिक क्लेश, तनाव, काम का बोझ, इसमें से कोई ना कोई परेशानी हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान और गतिविधियों की अनोखी श्रृंखला, जिसकी मदद से आपको मिलेगी शारीरिक और मानसिक शक्ति, यानी कि आप आज की जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। So join us and let go. योग लेट गो सीरीज की यह पहली पेशकश आप तक लाते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। ये योग की श्रृंखला हमने माननीय योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी के मार्गदर्शन से तैयार की है। योगाचार्य तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगाभ्यास और उसके फायदों पर अनुशोधन करते आए हैं। योगाचार्य तिवारी जी सारे भारत में लगातार योग शिविर आयोजित करते आए हैं। तो आइए उनके साथ उनके अनेक भक्तों में शामिल होकर शुरू करते हैं अपना सफर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर। किसी भी व्यायाम शैली को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या थेरेपिस्ट की राय जरूर ले लें। बहुत मजा है। तो आप हमें ये बताएं कि क्या राज है आपकी इस सेहत और जोश का, जहाँ की इस उम्र में ज्यादातर लोग बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। योगा। तो फिर आपने अपने आप को इतना स्वस्थ और चुस्त कैसे बना के रखा? योगा। आप हमें दिखाते क्यों नहीं कि योगा कैसे आपको इस उम्र में इतना जवान रखती है? जरूर, क्यों नहीं। आयु के बढ़ने की प्रक्रिया एजिंग कहलाती है। इसके अंतर्गत शारीरिक व मानसिक बदलाव आते हैं। एजिंग अपने साथ कई तरह की बीमारियां लेकर आती है। सामान्यतः एजिंग के दौरान शरीर में आने वाले परिवर्तनों में मुख्य हैं शारीरिक आकार में बदलाव आना, त्वचा के नीचे फैट के जमा होने से त्वचा का मोटी होना एवं झुर्रियां आना। हम मनुष्य की शारीरिक संरचना एवं उस पर होने वाले प्राकृतिक प्रभावों को नहीं बदल सकते, परंतु योग के द्वारा प्रत्येक मनुष्य अपनी जीवन शैली सुधार सकता है। तनाव मुक्त रहना, स्वस्थ शरीर एवं चुस्त तंदुरुस्त रहना जवान रहने के मुख्य कारक हैं, जो कि योग के द्वारा संभव है। मनुष्य योगाभ्यास द्वारा स्वस्थ शरीर, चुस्त दिमाग एवं जीवन शक्ति पा सकता है। मार्जरासन। घुटनों और हथेलियों के बल खड़े हों, पीठ सीधी रहनी चाहिए। पीठ को नीचे की तरफ झुकाते हुए गर्दन ऊंची उठाएं और पीछे की तरफ जितना झुक सकते हैं झुकाएं। पीठ को ऊपर की तरफ उठाएं, गर्दन को नीचे की तरफ कंधों के बीच झुकाएं। इन क्रियाओं को फिर दोहराएं। गर्दन को पीछे की तरफ
झुकाते हुए बाईं टांग को जमीन से ऊपर उठाएं। टांग आपके पीछे की तरफ सीधी रहनी चाहिए। बाईं टांग को धीरे से नीचे ले आइए। इस क्रिया को दाईं टांग से दोहराइए। मत्स्येंद्र आसन। टांगों को अपने सामने सीधे रखते हुए बैठ जाइए। इस अवस्था में टांगें पास पास रहेंगी। बाईं टांग मोड़कर बाएं पैर को दाईं टांग के नीचे रखिए। दाईं टांग को घुटने पर मोड़ते हुए दायां पैर बाईं टांग के बगल में जमीन पर सीधा रखें। दाएं पैर के अंगूठे को बाएं हाथ से पकड़ें, कोहनी को दाएं पैर से लगाकर रखें। दाएं हाथ को पीठ के पीछे मोड़कर रखें। नॉर्मल श्वास लेते हुए स्थिति में जितनी देर संभव हो बैठें। टांगों को फिर सामने जमीन पर सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दाईं टांग मोड़कर बाईं टांग के नीचे रखें। बाईं टांग उठाकर बायां पैर दाहिनी टांग के बगल में जमीन पर रखें। बाएं पैर के अंगूठे को दाहिने हाथ से पकड़ें, कोहनी को बाईं टांग से लगाकर रखें। बाएं हाथ को पीठ के पीछे मोड़कर रखें। नॉर्मल श्वास लेते हुए इस अवस्था में जितनी देर बैठ सकें बैठें। शलभासन। हर आसन पद्मासन की स्थिति में शुरू करें। इसमें आप आंखें बंद करके नॉर्मल श्वास लेते हुए बैठेंगे। पेट के बल लेट जाइए। अपने हाथों को धड़ के नीचे रखें, हथेलियों से जांघों को सहारा देते हुए। अंदर श्वास लेते हुए दाएं पैर को जितना ऊपर उठा सकें उठाएं। श्वास रोके हुए इस स्थिति में जितनी देर रुक सकते हैं रुकें। श्वास छोड़ते हुए अपना पैर धीरे से नीचे ले आइए। इस क्रिया को अब अपने बाएं पैर से दोहराएं। याद रखिए, पैर उठाते और नीचे लाते समय आपकी श्वास कंट्रोल रखें। योगासन करते समय श्वास को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। अंदर श्वास लेते हुए दोनों पैरों को जितना ऊपर उठा सकें उठाएं। श्वास छोड़ते हुए
पैरों को धीरे धीरे नीचे लाइए। यह आसन आपकी पीठ, पेट, पैरों के मसल्स और हिप जॉइंट्स के लिए लाभदायक है। भुजंग आसन। पेट के बल लेट जाइए। हथेलियों को कंधों के बाजू में जमीन पर रखिए। कोहनियां धड़ से लगी हुई और जमीन पर। गहरी श्वास लेते हुए धड़ को कोहनियों के बल उठाएं। गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएं। कुछ देर इस स्थिति में रहें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पहली वाली स्थिति में आ जाएं। अब हथेलियों के बल अपने धड़ को उठाएं। यह करते हुए गहरी श्वास लेना ना भूलें। इस आसन के तीसरे भाग में आपको घुटने मोड़कर धड़ को हथेलियों के बल उठाना है। याद रखिए, यह करते समय आपको श्वास अंदर लेना है। इस स्थिति में जितनी देर रुक सकें रुकें। योग स्थितियों में यह जरूरी नहीं कि आप एक स्थिति में कुछ मिनट या फिर कुछ सेकंड रुकें। जितना मुमकिन हो उतना ही करें। जैसे जैसे आप योगासनों का अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आपको अपनी क्षमता बढ़ती नजर आएगी। भुजंग आसन आपकी पीठ की मसल्स को मजबूत बनाता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है। भुजंग आसन से आपके कंधे भी मजबूत बनते हैं। सर्वांग आसन। पीठ के बल लेट जाइए। अपने हाथों को धड़ के बगल में रखिए, हथेलियां नीचे। अंदर श्वास लेते हुए पैरों को सीधा ऊपर उठाइए। हथेलियों से कमर को सहारा देते हुए ऊपर उठाइए। पैरों को जितना सीधा उठा सकते हैं उठाएं। इस स्थिति में सीधा रहते हुए आपको सारा वजन कंधों पर डालना है। हथेलियों से कमर को सहारा देते रहिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे धड़ को नीचे लाएं। सर्वांग आसन दिल और दिमाग की रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। इससे आपके कंधे, पीठ, कोहनियां, हाथ और गर्दन मजबूत रहते हैं। धनुरासन। पेट के बल लेट जाइए। पैरों को घुटनों तक ऊपर की तरफ मोड़िए। हाथों से अपनी एड़ियां पकड़िए। श्वास अंदर लेते हुए अपने शरीर को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाइए। वजन आपके पेट पर पड़ना चाहिए। इस स्थिति में जितनी देर तक संभव हो रुकें। धनुरासन आपकी पीठ,
पेट, जांघों, बाहों और पैरों की मजबूती के लिए लाभदायक है। प्राणायाम। पालथी मारकर बैठ जाइए, आंखें बंद रख अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए दाहिनी कोहनी को बाएं हाथ की हथेली पर रखें। सांस रोककर नाक को अंगूठे से बंद करें, बाएं नाक से श्वास छोड़ें। अब दोनों नाक को बंद कर दें। दाहिने नाक से अंगूठा उठाते हुए गहरी और लंबी श्वास लें। दोनों नाक बंद रखकर इस स्थिति में कुछ पल रुकें, दाहिने नाक से श्वास छोड़ें। दूसरे नाक को अंगूठे से बंद करें, बाएं नाक से श्वास छोड़ें। प्राणायाम योग क्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपके मन को शांत रखता है, गहरी श्वासों द्वारा आपके सिस्टम को साफ रखता है और आपके जीवन में नई स्फूर्ति जगाता है। मार्जरासन, इससे कमर दर्द व गर्दन के दर्द दूर करने में मदद मिलती है। जांघों के भाग को सुगठित करने के लिए लाभकारी है। इस क्रिया को 10 बार करें। अर्धमत्स्येंद्रासन, ये शरीर को हृदय रोग से बचाता है। इससे चेहरे का सौंदर्य बढ़ता है, पेट साफ करने में सहायक है। इस क्रिया को 6 बार करें। शलभासन, ये वजन कम करता है। जांघों के भाग को सुगठित करने के लिए लाभकारी है। कमर दर्द, पीठ दर्द और कंधे भी मजबूत बन जाते हैं। इस क्रिया को 10 बार करें। भुजंगासन, आपकी पीठ की मसल्स को मजबूत बनाता है, आपके कंधे भी मजबूत बन जाते हैं। इस क्रिया को 10 बार करें। सर्वांगासन, ये मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ाता है एवं संपूर्ण शरीर को कांतिमय बनाए रखने में मदद मिलती है। ये आसन स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। इससे चेहरे का सौंदर्य बढ़ता है,
इस क्रिया को 5 बार करें। धनुरासन, ये आसन पेट को पतला करने एवं कब्ज दूर करने में उपयुक्त है। इस आसन को करने से पीठ तथा गर्दन का दर्द दूर करने में लाभकारी है। इस क्रिया को 5 बार करें। प्राणायाम योग क्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये आपके मन को शांत रखता है, गहरी श्वासों द्वारा आपके सिस्टम को साफ रखता है और आपके जीवन में स्फूर्ति लाता है। इस क्रिया को 5 मिनटों तक करें। मार्जरासन, अर्ध मत्स्येन्द्रासन, शलभासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, धनुरासन, प्राणायाम, आयु बढ़ने के साथ भोजन के पोषण को कई तरह के नुकसान होते हैं, जैसे डिप्रेशन, दवाइयां, बीमारी, अच्छे पौष्टिक भोजन को नज़रअंदाज करना, डेंटल प्रॉब्लम्स, तनाव, घटती शारीरिक ताकत आदि। आहार निर्देश। आयु बढ़ने के साथ खान पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि आयु बढ़ने से शरीर में ऊर्जा की जरूरत कम होती है। शरीर की सक्रियता कम होने से प्रोटीन की जरूरत भी कम पड़ती है। विटामिन्स और मिनरल्स की कमी भी कई तरह की गड़बड़ी पैदा कर सकती है। कुछ जरूरी सुझाव। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करनी चाहिए। चर्बीयुक्त पदार्थ को कम मात्रा में लेना चाहिए। प्रौढ़ महिलाओं को कैल्शियम युक्त पदार्थ लेना चाहिए। भोजन स्वादिष्ट व पौष्टिक होना चाहिए। 4 या 5 बार हल्का भोजन करें। तकरीबन 2 से 3 फल रोज खाएं, विशेषकर सिट्रस फल। चाय में स्किम्ड मिल्क या काउ मिल्क डालें। चटपटी मसालेदार तली भुनी चीजों से दूर रहें। भोजन के बीच फासला ज्यादा ना रखें। हफ्ते में 2 बार से ज्यादा नॉनवेज ना खाएं। चिकन व फिश की चर्बी की सतह निकाल कर पकाएं। मार्जरासन, घुटनों और हथेलियों के बल खड़े हों, पीठ सीधी रहनी चाहिए। पीठ को नीचे की तरफ झुकाते हुए गर्दन ऊंची उठाएं और पीछे की तरफ जितना झुक सकते हैं झुकाएं। पीठ को ऊपर की तरफ उठाएं, गर्दन को नीचे की तरफ कंधों के बीच झुकाएं। गर्दन को पीछे की तरफ झुकाते हुए बाईं टांग को जमीन से ऊपर उठाएं। टांग आपके पीछे की तरफ सीधी रहनी चाहिए। बाईं टांग को धीरे से नीचे ले आइए। इस क्रिया को दाईं टांग से दोहराइए।
अर्ध मत्स्येंद्र आसन। टांगों को अपने सामने सीधे रखते हुए बैठ जाइए। इस अवस्था में टांगें पास पास रहेंगी। बाईं टांग मोड़कर बाएं पैर को दाईं टांग के नीचे रखिए। दाईं टांग को घुटने पर मोड़ते हुए दायां पैर बाईं टांग के बगल में जमीन पर सीधा रखें। दाएं पैर के अंगूठे को बाएं हाथ से पकड़ें, कोहनी को दाएं पैर से लगाकर रखें। दाएं हाथ को पीठ के पीछे मोड़कर रखें। नॉर्मल श्वास लेते हुए इस स्थिति में जितनी देर संभव हो बैठें। टांगों को फिर सामने जमीन पर सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दाईं टांग मोड़कर बाईं टांग के नीचे रखें। बाईं टांग उठाकर बायां पैर दाहिनी टांग के बगल में जमीन पर रखें। बाएं पैर के अंगूठे को दाहिने हाथ से पकड़ें, कोहनी को बाईं टांग से लगाकर रखें। बाएं हाथ को पीठ के पीछे मोड़कर रखें। नॉर्मल श्वास लेते हुए इस अवस्था में जितनी देर बैठ सकें बैठें। शलभासन। पेट के बल लेट जाइए। अपने हाथों को धड़ के नीचे रखें, हथेलियों से जांघों को सहारा देते हुए। अंदर श्वास लेते हुए दाएं पैर को जितना ऊपर उठा सकें उठाएं। श्वास रोके हुए इस स्थिति में जितनी देर रुक सकते हैं रुकें। श्वास छोड़ते हुए अपना पैर धीरे से नीचे ले आइए। इस क्रिया को अब अपने बाएं पैर से दोहराएं। याद रखिए, पैर उठाते और नीचे लाते समय आपकी श्वास कंट्रोल रखें। अंदर श्वास लेते हुए दोनों पैरों को जितना ऊपर उठा सकें उठाएं। श्वास छोड़ते हुए पैरों को धीरे धीरे नीचे लाइए। भुजंग आसन। पेट के बल लेट जाइए। हथेलियों को कंधों के बाजू में जमीन पर रखिए। कोहनियां धड़ से लगी हुई और जमीन पर। गहरी श्वास लेते हुए धड़ को कोहनियों के बल उठाएं। गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएं। कुछ देर इस स्थिति में रहें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पहली वाली स्थिति में आ जाएं। अब हथेलियों के बल अपने धड़ को उठाएं। यह करते हुए गहरी श्वास लेना ना भूलें। इस आसन के तीसरे भाग में आपको घुटने मोड़कर धड़ को हथेलियों के बल उठाना है। याद रखिए, यह करते समय आपको श्वास अंदर लेना है। इस स्थिति में जितनी देर रुक सकें रुकें। योग स्थितियों में यह जरूरी नहीं कि आप एक स्थिति में कुछ मिनट या फिर कुछ सेकंड रुकें। जितना मुमकिन हो उतना ही करें। जैसे जैसे आप योगासनों का अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आपको अपनी क्षमता बढ़ती नजर आएगी। सर्वांग आसन। पीठ के बल लेट जाइए। अपने हाथों को धड़ के बगल में रखिए, हथेलियां नीचे। अंदर श्वास लेते हुए पैरों को सीधा ऊपर उठाइए। हथेलियों से कमर को सहारा देते हुए ऊपर उठाइए। पैरों को जितना सीधा उठा सकते हैं उठाएं। इस स्थिति में सीधा रहते हुए आपको सारा वजन कंधों पर डालना है। हथेलियों से कमर को सहारा देते रहिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे धड़ को नीचे लाएं। धनुरासन। पेट के बल लेट जाइए। पैरों को घुटनों तक ऊपर की तरफ मोड़िए। हाथों से अपनी एड़ियां पकड़िए। श्वास अंदर लेते हुए अपने शरीर को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाइए। वजन आपके पेट पर पड़ना चाहिए।
स्थिति में जितनी देर तक संभव हो रुकें। प्राणायाम, पालथी मारकर बैठ जाइए, आंखें बंद रख अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए दाहिनी कोहनी को बाएं हाथ की हथेली पर रखें। सांस रोककर नाक को अंगूठे से बंद करें, बाएं नाक से श्वास छोड़ें। अब दोनों नाक को बंद कर दें। दाहिने नाक से अंगूठा उठाते हुए गहरी और लंबी श्वास लें। दोनों नाक बंद रखकर इस स्थिति में कुछ पल रुकें। दाहिने नाक से श्वास छोड़ें। दूसरे नाक को अंगूठे से बंद करें, बाएं नाक से श्वास छोड़ें। प्राणायाम योग क्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपके मन को शांत रखता है, गहरी श्वासों द्वारा आपके सिस्टम को साफ रखता है और आपके जीवन में नई स्फूर्ति जगाता है। मार्जरासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, शलभासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, धनुरासन, प्राणायाम। तो भुला दीजिए उन दुखती हड्डियों की चिंताओं को और जिंदगी का पूरा आनंद उठाइए। योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर अपने जीवन को एक नया जोश और एक नई दिशा दीजिए।